अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास का अनदर टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आप इसे ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि लिवर बैलेंस अलहदा से देखेंगे हम और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हम अलहदा से देखेंगे। तो बच्चों, बाकायदा से मैं लिवर बैलेंस समझाने के लिए लिवर बैलेंस लेके आया हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लिवर बैलेंस कैसा होता है और ये कैसे मेजरमेंट लेता है। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये रहा लिवर बैलेंस, आपके स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये बैलेंस आपने नॉर्मली कहाँ देखा होगा, फल फरोशों की दुकान पे, सब्ज़ी फरोशों की दुकान पे, इस तरह का बैलेंस नज़र आता है जो मैथ्स मेजर करके देता है। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका वो जो पॉट्स हैं, ये एक पॉट है जहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ रखा जाता है, 1 kg, 2 kg, 4 kg जो स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं। ये जो है बकेट, ये वाला इसका पॉट जो है, इसमें जो भी चीज़ अननोन चीज़ हो वो रखी जाती है। सेब तोड़ रहे हैं तो सेब डालते जाते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखिए, इसके अंदर जो सिस्टम ऑफ लिवर्स है वो कहाँ पे है, ये देखिए। अगर आप, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो मेन इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, ये लिवर सा, ये मेन लिवर है। इसके साथ नीचे ये लिवर्स हैं, दैट इज़ सिस्टम ऑफ लिवर्स। एक से ज़्यादा लिवर्स इसके अंदर लगाए गए। लिवर ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ को उठा सके। जैसे हमने भारी भरकम चीज़ उठानी हो तो हम उसके नीचे कोई लकड़ी का तख्ता या कोई चीज़ दे के और नीचे फलक्रम रख के उसे उठाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिवर का काम चीज़ों को उठाने का होता है। तो ज़रा देखिए, इन दोनों साइड्स को क्या करने के लिए, उठाने के लिए ये लिवर सिस्टम जो है, ये लिवर सिस्टम यहाँ पर एंगेज है। इस साइड पर ये लिवर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको निचली साइड पर ये लिवर्स नज़र आ रहे हैं जो इसको बैलेंस करते हैं। ये वाले मेन लिवर को बैलेंस करते हैं, ये आप कह सकते हैं, ये मेन जो बीम है इसे बैलेंस करते हैं। अब होता कुछ इस तरह से, अगर आप देखें ना, ये इस तरह से इस तरफ है, वेट इस तरफ ज़्यादा है, मैस ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे है। इसको बैलेंस करने के लिए ये देखा होगा पॉट ज़्यादातर यहाँ पड़ा होता है, लेकिन अभी स्टिल ये बैलेंस नहीं हो रहा। बैलेंस होने की निशानी है, ये जो पॉइंटर है ये बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, यहाँ होने का मतलब है ज़ीरो। अभी तो पॉइंटर थोड़ा सा इस तरफ है। इस पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए अक्सर देखा होगा जो दुकानदार है, उन्होंने क्या किया होता है, इस तरफ छोटा सा कोई पत्थर या कोई चीज़ अटैच की होती है ताकि ये दोनों साइड्स बैलेंस हों। जब ये बैलेंस होंगी तभी जो चीज़ मेजर करेंगे वो एक्यूरेट आएगी, वरना वो कम तुलेगी। कम क्यों तुलेगी, आपके सामने ही है, बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए फ़र्ज़ कीजिए, मैं इसमें पहले ही ये मार्कर रख देता हूँ। तो क्या होगा, अब अगर मैं देखूँ तो ये बैलेंस हो चुका है, बिल्कुल पॉइंट इस तरफ आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस तरफ फ़र्ज़ कीजिए मुझे इसका मैथ तोलना है, ये अननोन चीज़ है, इसका मैथ मेजर करना है। मैं क्या करूँगा, इसका मैथ मेजर करने के लिए फ़र्ज़ करिए 1 kg, 2 kg हैं जो आप पत्थर मिलते हैं, इनके पास होते हैं, जिनके पास लिवर बैलेंस हो, इस तरफ रखेंगे और उस तरफ ये डालते जाएंगे। जब ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, जब ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, ये थोड़ा जंग आलूद है, थोड़ा सा ये रफनेस है इसके अंदर। जब ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, बराबर की निशानी है कि ये पॉइंटर देखा जाए, ये पॉइंटर अगर ज़ीरो में आ गया, इसका मतलब फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे 4 kg लिखा है तो इसका मैस 4 kg हो गया, यहाँ 2 kg लिखा है तो यहाँ 2 kg हो गया। यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं, 1 kg, 2 kg, 4 kg, वो मैं नहीं ला सका, आपको पता होना चाहिए। इस तरफ स्टैंडर्ड मैसेज रखे जाते हैं और यहाँ पर अननोन चीज़ डाली जाती है, फल सब्ज़ी वगैरह। जब ये रखने पे यहाँ पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाता है तो हम कहते हैं ये तुल गया, 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, 4 kg हो गया। इस तरह से लिवर बैलेंस ऑपरेट करता है। आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ लिवर्स किस तरह से मूव कर रहा है, बैलेंस होता है तो हम कहते हैं मेजर कर लिया हमने मैस। इस तरह से बच्चों लिवर बैलेंस हमें मुख्तलिफ चीज़ों के मैसेज मेजर करके देता है। होप सो कि आपको समझ आई होगी लिवर बैलेंस किस तरह से काम कर रहा है। इस तरफ स्टैंडर्ड मैस, इस तरफ अननोन मैस, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लिवर्स हैं और ये पॉइंटर है जो इनके साथ अटैच है। जब पॉइंटर ज़ीरो पे आ गया, इसका मतलब दोनों साइडें बराबर हैं, इंस्ट्रूमेंट दुरुस्त है। जब तक ये बराबर नहीं है, इस तरफ है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है, पहले उस एरर को दुरुस्त कीजिए। पॉइंटर को ज़ीरो पर होना ज़रूरी है, ज़ीरो पर लेके आएंगे, ये देखिए अब इस दफ़ा ज़ीरो पे आ गया, ठीक है जी, थोड़ा सा इसके अंदर नुक्स है जंग की वजह से, लेकिन पहले तो इस तरफ था। अब इसमें मेजरमेंट लेने के लिए क्या करूँगा, मैं इस तरफ स्टैंडर्ड मैथ डालूँगा, मुझे किसी ने कहा 1 kg दीजिए, 1 kg का पत्थर रख दूँगा, यहाँ पे 1 kg जो भी सब्ज़ी जो भी फल लेने हैं डालूँ। ये है तरीका कार बच्चों
लीवर बैलेंस को इस्तेमाल करने का और उससे मेजरमेंट लेने का। तो बच्चों अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को समझाने के लिए मैं बकायदा से आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दिखाऊंगा। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जो ज़्यादातर आपने ग्रोसरी शॉप्स पर देखा होगा, जो आप सुनारे की दुकान पर देखते हैं, दैट इज़ आल्सो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और बहुत सेंसिटिव सा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज डिफरेंट रेंजेस के अंदर होते हैं, मिलीग्राम्स के अंदर, माइक्रोग्राम्स के अंदर, ग्राम्स के अंदर, किलोग्राम्स के अंदर, ये मुख्तलिफ रेंजेस में होंगे। जनरल स्टोर्स पे ऐसा दिखेगा, इस तरह से सुनारे की दुकान पे वो आपने देखा वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा, वो ज़्यादा बड़ी डिटेल से मेजरमेंट ले सकता, दैट इज़ आल्सो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो बच्चों आइए देखते हैं ये मेजरमेंट कैसे देता है। सबसे पहले जब भी आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो यहाँ से बटन ऑन करेगा आपके आने पर। आपने कोई चीज़ खरीदनी है, मैस ये बटन ऑन किया, ये ऑन हो गया, आपको 00 शो हो रहा होगा। अगर नहीं शो हो रहा तो यहाँ से बटन प्रेस करेगा और यहाँ पे रीडिंग्स क्या आएंगी, 00 शो होगा। दैट मीन्स कि कोई भी मैस इसके ऊपर मौजूद नहीं है। ये वो साइड है जिस साइड से कस्टमर को नज़र आता है, ये वो साइड है जो शॉपकीपर ने अपनी साइड पे रखी होती है पेमेंट लेते हुए। अब बच्चों 00 आने का मतलब कोई भी मैस इसके ऊपर मौजूद नहीं है, अब जो भी रीडिंग ली जाएगी वो उस चीज़ का मैस होगा। फर्ज करिए ये डस्टर है, मैं जानना चाहता हूँ इसका मैस क्या है। जब मैंने इसे इसके ऊपर प्लेस किया तो आपको रीडिंग इस तरफ, आप खड़े हैं, आपको नज़र आएगा 94 ग्राम। दैट मीन्स यहाँ से देखिए 94 ग्राम्स, वो कहेगा जी 94 ग्राम के साथ अगर उसने प्राइस सेट की हुई है, प्राइस भी नज़र आ जाएगी। वो तो हमारा कंसर्न नहीं है, हमें इसका मैच तोलना था। तो सबसे पहले हमें इसे ऑन किया, 0 प्रेस किया तो सारी रीडिंग जीरोस पे आ गई। फिर इसके ऊपर हमने प्लेस किया जो भी मैच हमने मालूम करना है, जैसे ही प्लेस किया उसकी रीडिंग आना शुरू हो गई। ये बहुत एक्यूरेट वन होता है, सबसे बेहतर मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही है। हमने बहुत सारे बैलेंसेस पढ़े, उन सबसे बेहतर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। और ये आप देख सकते हैं इसका पॉट है जहाँ पे मैस को प्लेस किया जाता है और रीडिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है जो कि ये इंस्ट्रूमेंट करके देता है। ये वो तरीका है जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ज़रिए मैस मेजर किया जाता है और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, डिफरेंस पता चल गया होगा लीवर बैलेंस का और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस डायरेक्टली मेजरमेंट खुद दे देता है, जबकि लीवर बैलेंस के अंदर हमें खुद देखना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। इसी के साथ मैं बच्चों आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।